हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे यूपी बोर्ड क्लास 7 हिंदी मंजरी बुक से चैप्टर 10 और उसके कुछ परीक्षापयोगी प्रश्नों के उत्तर, जिसका शीर्षक है सत्साहस, जिसके लेखक हैं गणेश शंकर विद्यार्थी जी। बच्चों, पहले हम लेखक गणेश शंकर विद्यार्थी जी का जीवन परिचय जानेंगे। लेखक गणेश शंकर विद्यार्थी जी का जन्म सन 1890 ईस्वी में प्रयाग में हुआ था। ये पत्रकार थे तथा उर्दू फारसी भली भांति जानते थे। इनकी शिक्षा ग्वालियर में हुई। आर्थिक कठिनाइयों के कारण ये हाई स्कूल यानी एंट्रेंस तक ही पढ़ सके, किंतु स्वतंत्र अध्ययन में लगे रहे। ये कुछ दिन सरस्वती पत्रिका फिर अभ्युदय पत्र में कार्य करते रहे। बाद में ये प्रताप साप्ताहिक के संपादक हुए। अपनी अतुल्य देशभक्ति एवं आत्मोत्सर्ग के लिए सदैव याद किए जाते हैं। इनकी भाषा सशक्त एवं शैली ओजपूर्ण थी। ये गंभीर एवं वक्रता प्रधान थे। इनका निधन सन 1931 में हुआ। बच्चों, अब हम कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जान लेंगे। जैसे विशाल मतलब होता है बड़ा, वीर मतलब होता है श्रेष्ठ वीर, अविष्ट मतलब होता है वांछित चाहा हुआ, धरणी मतलब होता है पृथ्वी, कुत्सित मतलब होता है बुरा, आभा मतलब होता है चमक, सर्वोच्च मतलब होता है सबसे ऊंचा, अनभिज्ञ मतलब होता है अनजान, मुट्ठी भर हो मतलब होता है थोड़े से, रणक्षेत्र मतलब होता है युद्धभूमि, आत्मोत्सर्ग मतलब होता है स्वयं को बलिदान करना, मदांध मतलब होता है मंदे, मद से अंधा, सहतार्थ मतलब होता है सहायता के लिए। बच्चों, इस पाठ में लेखक ने बताया कि संसार में कोई भी कार्य बिना साहस के नहीं होता, किंतु प्रत्येक साहस को एक सच्चे साहस की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। साहस की भिन्न श्रेणियां होती हैं, जिन्हें इस निबंध यानी इस पाठ में समझाया गया है। इस पाठ की शुरुआत हम यहां से करेंगे। इस पाठ में लेखक ने कहा है कि संसार के बड़े काम अथवा छोटे काम बिना साहस के नहीं होते। संसार के सभी महापुरुष साहसी थे। बिना किसी प्रकार के साहस दिखाए किसी जाति या किसी देश का इतिहास ही नहीं बन सकता। और लेखक कहते हैं कि बिना साहस दिखलाए किसी भी देश का जाति या किसी भी देश का इतिहास ही नहीं बन सकता। अपने साहस के कारण ही अर्जुन, भीम, भीष्म, अभिमन्यु आदि आज हमारे हृदय में विराजमान है यानी जागरूक है। अल्पस पर्वत के विशाल शिखरों को पार करने वाले हनीबल और नेपोलियन का नाम वीरवरों के नाम के साथ साथ केवल उनके अतुलनीय साहस के कारण ही लिया जाता है। यह साहस का ही प्रभाव था कि जिसने तैमूर, बाबर, शिवाजी, क्रोमवेल, रणजीत सिंह और संग्राम सिंह जैसे समान व्यक्ति को उच्च श्रेणी में ला दिया। लेखक कहते हैं कि सत्साहसी के लिए केवल साहस प्रकट करना ही नहीं, यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल देके बताया कि एक मुसलमान युवक ने आक्रमण करने का असीम साहस प्रकट किया। कारण यह था कि बादशाह ने उसके पिता की जागीर जब्त कर ली थी। इसी से वक्त मतलब उसी वक्त युवक ने इतने साहस का काम किया, युवक मारा गया। उसके साहस की और उसकी निर्भीकता का कुछ ठिकाना नहीं है, परंतु क्रोध के वश में होकर स्वार्थवश ऐसा साहस करने से युवक का यह कार्य किसी प्रकार प्रशंसनीय नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार का साहस तो चोर और डाकू भी कभी कभी कर गुजरते हैं। राजा महाराजा भी अपनी कुछ संगठित इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए कभी कभी इससे भी बढ़कर साहस का काम कर डालते हैं। ऐसा साहस निच श्रेणी का साहस है। मतलब लेखक कहते हैं कि साहस तो चोर डाकू भी लगा देते हैं। किसी खराब काम को करने के लिए साहस जो लगता है तो वो साहस अच्छा नहीं कहलाता, वो साहस निच श्रेणी का साहस होता है। लेखक कहते हैं कि मध्यम श्रेणी का साहस प्राय सूरवीरों में पाया जाता है। वो उनके उच्च विचार और निर्भीकता के भली भांति प्रकट करता है। इस प्रकार के साहस वाले मनुष्य में बेपरवाही और स्वार्थहीनता की कमी नहीं होती, परंतु उनमें ज्ञान की कमी अवश्य पाई जाती है। लेखक एक कहानी कहते हैं कि अकबर बादशाह के पास दो राजपूत नौकरी के लिए आए। अकबर ने उनसे पूछा कि तुम क्या काम करते हो, तो वे बोले जहां पना करके दिखला या केवल कहकर। तो बादशाह ने करके दिखाने की आज्ञा दी। तो राजपूतों ने घोड़े पर सवार होकर अपने अपने बर्छे संभाले और अकबर के सामने एक दूसरे पर वार करने लगे। थोड़ी देर बाद वे एक दूसरे पर बेतरह टूट पड़े। बादशाह के देखते देखते दोनों घोड़े से नीचे आ गिरे और मरकर ठंडे हो गए। इस प्रकार का साहस निस्संदेह प्रशंसनीय तो है, परंतु ज्ञान की आभा की कमी के कारण निश्चित सब प्रतीत होता है।
मतलब लेखक कहना है कि साहस ज्ञान और आभा की कमी के कारण वो साहस नहीं कहला सकता, वो निस्तेज प्रतीत होता है, वो मध्यम श्रेणी का साहस कहलाता है। जैसे ये दोनों युवक, अगर उनके पास ज्ञान रहता तो वो दोनों लड़ते क्यों? वो लड़ते तब जब किसी के रण युद्ध में या किसी के जान बचाने के लिए एक अपने जान गवा देते, तब वो सच्ची साहस की नमूना दिखाते। लेकिन उन्होंने बस एक दूसरे पे अपने को नीचा दिखलाने के लिए अपने जान गवा दिए, तो ये सच्ची साहस नहीं है, ये मध्यम वर्ग की श्रेणी का साहस है। लेखक का कहना है कि सर्वोच्च श्रेणी के साहस के लिए हाथ पर की बलिष्ठता आवश्यक नहीं, धन मान आदि का होना भी आवश्यक नहीं। जिन गुणों का होना आवश्यक वे है हृदय की पवित्रता, हृदय की सच्चाई तथा उदारता और चरित्र की दृढ़ता। ऐसे गुणों की प्रेरणा से उत्पन्न हुआ साहस, मतलब लेखक कहते हैं कि पवित्रता, उदारता और चरित्र की दृढ़ता से, ऐसे गुणों की प्रेरणा से उत्पन्न हुआ साहस तब तक पूर्णता या प्रशंसनीय नहीं कहा जा सकता जब तक उसमें एक और गुण सम्मिलित ना हो। तो उस गुण का नाम है कर्तव्य प्रणयता, मतलब कर्तव्य का विचार प्रत्येक साहसी मनुष्य में होना चाहिए। इस विचार से सुन होने पर भी कोई भी मनुष्य, फिर चाहे उसके विचार कैसे ही उन्नत क्यों ना हो, मतलब किसी काम को कर्तव्य उसके अंदर नहीं है, मतलब इस काम को मुझे करना है, तो वो साहस पूर्ण नहीं कहलाएगा। कर्तव्य का विचार प्रत्येक साहसी मनुष्य में होना चाहिए। इस विचार से सुन होने पर भी कोई मनुष्य, फिर चाहे उसके और विचार कैसे ही उन्नत क्यों ना हो, मानव जाति की कुछ भी भलाई नहीं कर सकता, तो वो अपने कर्तव्य से अनिभिक मनुष्य कभी भी परोपकार प्राण या समाज हित की चिंतक नहीं कहा जा सकता, मतलब वो पूर्ण रूप से साहसी नहीं कहा जा सकता। बिना इस विचार के मनुष्य अपने परिवार नहीं अपने शरीर अथवा अपने आत्मा का उपकार नहीं कर सकता। कर्तव्य ज्ञान शून्य मनुष्य को मनुष्य नहीं पशु समझना चाहिए, मतलब जिस मनुष्य में बलिष्ठता या धन है या अच्छे गुण है, हृदय का पवित्रता, उदारता और चरित्र है, तो वैसे भी मनुष्य पूर्ण साहस नहीं कहला सकते हैं, क्योंकि उनमें कर्तव्य प्राणता नहीं है, कर्तव्य के प्रति अपना विचार नहीं है। तो वो पूर्ण, जिस मनुष्य के अंदर शरीर की बलिष्ठता, हाथ पैर की बलिष्ठता, पवित्रता, उदारता, चरित्र की दृढ़ता और कर्तव्य हो, तो वो मनुष्य सर्वोच्च श्रेणी का साहसी व्यक्ति कहलाता है। लेखक आगे कहते हैं कि उच्च कोटि के साहस के लिए कर्तव्य प्राण बनना तो परम आवश्यक है, लेकिन कर्तव्य प्राण व्यक्ति के हृदय में यह बात अवश्य होनी चाहिए कि जो मैंने कुछ किया वो केवल अपने कर्तव्य के लिए किया है। तो इसीलिए कहानी लेखक कहते हैं कि मरवाड़ के मरोंदा गांव का जमींदार बुद्धन सिंह किसी झगड़े के कारण स्वदेश छोड़कर जयपुर चला गया और वहीं बस गया। थोड़े ही दिनों बाद मराठों ने मरवाड़ पर आक्रमण किया, लेकिन बुद्धन मरवाड़ को बिल्कुल ही छोड़ चुके थे। शत्रुओं के आक्रमण का समाचार पाकर और मातृभूमि के संकट में पड़ा हुआ जानकर उनका रक्त उबल पड़ा। वो स्वदेश भक्ति उन्हें बतला दिया कि यह समय ऐसा नहीं कि तू अपने घरेलू झगड़ों को याद करे। उन्होंने अपना कर्तव्य समझ कर वो उठ खड़े हुए और अपने कर्तव्य का पालन किया। कर्तव्य प्राण बुद्धन की विचार ने उसे इतना मतवाला कर दिया कि वो अपने 150 साथियों को लेकर बिना किसी से पूछे जयपुर से तुरंत चल पड़ा। देश भर में मराठे फैले हुए थे, उनके बीच में होकर निकल जाना किसी कठिन काम था, परंतु बुद्धन के साहस के सामने उस कठिनता को मस्तक झुकाना पड़ा। मतलब बुद्धन में इतनी साहस थे कि उस कठिनता को भी मस्तक झुकाना पड़ा। एक दिन अपने मुट्ठी भर साथियों के लिए वो मराठों के बीच से होकर निकल ही गया। इस तरह निकल जाने से उसके बहुत से साथी रण क्षेत्र रूपी अग्नि कुंड में आहूत हो गए। जीवित बचे हुओं में बुद्धन सिंह भी था। वो समय पर अपने देश और राजा की सेवा के लिए पहुंच गया था। इस घटना को हुए बहुत दिन हो गए, परंतु आज तक वीर जाति राजपूत अपने कर्तव्य प्राण और वीर बुद्धन की वीरता को सम्मान पूर्वक याद करते हैं, क्योंकि वो कर्तव्य प्राण व्यक्ति था।
राजपूत महिलाएं आज भी बुद्धन और उसके वीर साथियों की वीरता के गीत गाती हैं। मरौंदा में आज भी एक स्तंभ उन वीरों की यादगार में खड़ा हुआ है। इतिहास सभ्यताओं के हृदय को उत्साहित करता है। लेखक आगे कहते हैं कि इन गुणों के अतिरिक्त सत्साहसी के लिए स्वार्थ त्याग भी परम आवश्यक है कि निस्वार्थ भाव से किया हुआ सेवा ही सच्चा साहस कहलाता है। स्वार्थवश किया हुआ सेवा सच्चा साहस नहीं कहलाता है। इसलिए साहसी व्यक्ति के अपना स्वार्थ त्याग करना ही परम आवश्यक है। इस संसार में हजारों ऐसे काम हैं जिनके लोग बड़े उत्साह से कहते और सुनते हैं। उन कामों को वे बहुत अच्छा समझते हैं, उनके करने वालों को सराहते भी हैं। परंतु कुछ कामों में थोड़े से ही ऐसे हैं जो स्वार्थी हैं। समय पड़ने पर अपनी जान का खेल जाने अथवा असामान्य साहस प्रकट करने में सदा आत्मसर्ग नहीं होते, क्योंकि वे बहुधा ऐसे काम करने वाले यश के लोभ से अपने नाम के कलंकित होने के बचाने की राह अथवा लूटमार के द्वारा धनोपार्जन करने की इच्छा से ऐसे मंदमुग्ध हो जाया करते हैं कि वे अपने मतलब के लिए कठिन काम कर मतलब अपने मतलब के लिए वो कठिन काम करते हैं और नहीं तो वो नहीं करते। लेखक कहते हैं कि सत्साहसी व्यक्ति में एक गुप्त शक्ति रहती है जिसके बल से वो दूसरे मनुष्य को दुख से बचाने के लिए प्राण तक देने को प्रस्तुत हो जाते हैं। धर्म, जाति, देश और परिवार वालों के ही लिए नहीं, संकट में पड़े हुए अपरिचित व्यक्ति के सहायतार्थ के लिए भी इनमें प्रेरणा की शक्ति की प्रेरणा आ जाती है। वो हमारे संकटों का सामना करने के लिए हमेशा तैयार हो जाते हैं। अपने प्राणों की वो लेश मात्र की परवाह नहीं करते। हर प्रकार के कलेशों को प्रसन्नता पूर्वक स्वार्थ के विचारों को वो फटकने तक नहीं देते। सत्साहस के लिए अवसर की मतलब लेखक कहते हैं कि सत्साहस के लिए अवसर की राह देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सत्साहस दिखाने का अवसर प्रत्येक मनुष्य के जीवन में पल पल में आया करता है। देश, काल और कर्तव्य के विचार करना चाहिए और स्वार्थ रहित होकर साहस न छोड़ते हुए मतलब निस्वार्थ भाव रखकर साहस न छोड़ते हुए कर्तव्यनिष्ठ बनने का प्रयत्न हमेशा करते रहना चाहिए। बच्चों, अब हम इस चैप्टर से कुछ प्रश्नों के उत्तर को जान लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, लेखक ने साहस की कितनी श्रेणियां बताई हैं तथा उनकी क्या विशेषता है? तो इसका आंसर लेखक के अनुसार साहस की तीन श्रेणियां हैं, निम्न, मध्यम और सर्वोच्च। निम्न श्रेणी में की विशेषता है कि निम्न प्रकार का साहस जो क्रोधांत होकर स्वार्थ के लिए दिखाया जाता है वो प्रशंसनीय नहीं है। मध्यम श्रेणी की विशेषता है कि वो साहस सूरवीरों में पाया जाता है, उनके विचार उच्च तथा निर्भीकता की भलीभांति प्रकट करते हैं। इस प्रकार का साहस निसंदेह प्रशंसनीय है, परंतु ज्ञान की कमी के कारण वो निश्चित सा प्रतीत होता है। अब तीसरा है सर्वोच्च श्रेणी की विशेषता। तो सर्वोच्च श्रेणी के साहस के लिए हृदय की पवित्रता, उदारता, चरित्र दृढ़ता और कर्तव्य प्रेरणता आदि का होना जरूरी है। सत्साहसी को स्वार्थ रहित होना भी जरूरी है। सेकंड प्रश्न है, बुद्धन सिंह द्वारा सत्साहस का कौन सा कार्य किया गया? इसका आंसर है, बुद्धन सिंह ने स्वार्थ रहित भाव से कर्तव्य भावना से प्रेरित होकर संकटों की परवाह न करके समय पर उपस्थित होकर मातृभूमि की रक्षा की। थर्ड प्रश्न है, सत्साहसी व्यक्ति में कौन कौन सी गुप्त शक्ति रहती है जिसके बल पर वो दूसरों को दुख से बचाने के लिए प्राण तक दे सकते हैं? तो इसका आंसर है, सत्साहसी व्यक्ति के हृदय में पवित्रता और चरित्र दृढ़ता के बल पर दूसरों को दुख से बचाने के लिए प्राण तक दे सकते हैं। फोर्थ प्रश्न है, लेखक के अनुसार सत्साहस के लिए अवसर की राह देखने की आवश्यकता नहीं है, क्यों? इसका आंसर है, लेखक के अनुसार सत्साहस के लिए अवसर की राह देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सत्साहस दिखाने का अवसर प्रत्येक मनुष्य के जीवन में पल पल में आया करता है। फाइव प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। तो क पंक्ति है, बिना किसी प्रकार का साहस दिखलाए किसी जाति या किसी देश का इतिहास ही नहीं बन सकता। तो इसका आंसर है, भावी इतिहास में साहस की घटनाओं का वर्णन होता है। पंक्ति है, कर्तव्य का विचार प्रत्येक साहसी मनुष्य में होना चाहिए। तो इसका आंसर है, भाव साहसी व्यक्ति के लिए कर्तव्य प्रेरण होना जरूरी है। पंक्ति ग है,
कर्तव्य ज्ञान शून्य मनुष्य को मनुष्य नहीं पशु समझना चाहिए। तो इसका आंसर है भाव, जो व्यक्ति अपना कर्तव्य नहीं जानता वो पशु के समान होता है। बच्चों अब हम इस चैप्टर से कुछ व्याकरण संबंधी बातों को यानी प्रश्नों को जानेंगे। तो इससे प्रश्न बनता है, पहला प्रश्न है बलिष्ठता शब्द, बलिष्ठ प्लस ता यानी प्रत्यय से बना हुआ है। बलिष्ठ शब्द विशेषण और बलिष्ठता शब्द भाववाचक संज्ञा है। इस प्रकार निम्नलिखित विशेषण शब्दों के साथ ता प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनाइए। शब्द है पवित्र, उदार, दृढ़, अनिभिज्ञ, कायर, कठोर, कोमल, मधुर। तो इसका आंसर है शब्द है पवित्र, भाववाचक संज्ञा है पवित्रता। शब्द है दृढ़, जिससे भाववाचक संज्ञा बनता है दृढ़ता। शब्द है कायर, तो भाववाचक संज्ञा है कायरता। शब्द है कोमल, तो भाववाचक संज्ञा है कोमलता। शब्द है उदार, तो इससे भाववाचक संज्ञा है उदारता। शब्द है अनिभिज्ञ, तो भाववाचक संज्ञा है अनिभिज्ञता। शब्द है कठोर, तो इससे भाववाचक संज्ञा है कठोरता। शब्द है मधुर, तो इससे भाववाचक संज्ञा बनता है मधुरता। सेकेंड प्रश्न है निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो मुहावरा क है रक्त उबल पड़ना, इसका अर्थ हुआ क्रोधित हो उठना। इससे वाक्य बनता है मातृभूमि पर हमले की खबर सुनकर राजपूतों का रक्त उबल पड़ा। मुहावरा है ख मस्तक झुकना, जिससे इसका अर्थ है हार मानना। इससे वाक्य बनता है राणा प्रताप ने अकबर के सामने मस्तक झुकाने से इनकार कर दिया। मुहावरा है ग जान पर खेल जाना, जिससे का अर्थ है अपूर्व वीरता दिखाना। इससे वाक्य बनता है हमारे सैनिकों ने जान पर खेल कर भीषण युद्ध में शत्रु को हराया। मुहावरा है घ फटकने ना देना, तो इससे का अर्थ है पास ना आने देना। इससे वाक्य बनता है सत्यसाहसी व्यक्ति स्वार्थपरता को पास नहीं फटकने देता। मुहावरा है अंगा अवसर की राह देखना, तो इसका अर्थ है उचित मौका ढूंढना। इससे वाक्य बनता है हुमायूं अवसर की राह देख रहा था, उसने शेर शाह सूरी के मरने पर भारत में पुनः राज स्थापित किया। थर्ड प्रश्न है अग्निकुण तथा स्वदेश भक्ति का समासिक पद है। इनका विग्रह होने पर अग्नि का कुंड हो जाता है तथा स्वदेश के लिए भक्ति, इनमें क्रमशः संबंध कारक तथा संप्रदान कारक का चिन्ह लगा हुआ है। समास होने पर इनका लोप हो जाता है। नीचे लिखे शब्दों का समास विग्रह कीजिए। शब्द है देश प्रेम, क्रुधांत, इतिहासविता, समाजिक चिंतक, कर्तव्य ज्ञान शून्य। इसका आंसर है शब्द है देश प्रेम, समास विग्रह है देश के लिए प्रेम। शब्द है क्रुधांत, जिसका समास विग्रह है क्रोध में अंधा। शब्द है इतिहासविता, जिसका समास विग्रह है इतिहास का वेता। शब्द है समास हित चिंतक, इसका समाज विग्रह है समाज के हित का। शब्द है कर्तव्य ज्ञान शून्य, का समाज विग्रह है कर्तव्य के ज्ञान से शून्य। फोर्थ प्रश्न है निम्नलिखित संज्ञा शब्दों को बहुवचन में बदलकर अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो शब्द है माला, झरना, रोटी, आंख, कपड़ा, बालिका। तो इसका आंसर है शब्द है माला, बहुवचन है मालाएं, वाक्य प्रयोग है लोग फूलों की मालाएं पहने हुए थे। शब्द है झरना, बहुवचन है झरने, वक्त प्रयोग है पहाड़ों पर झरनों की शोभा देखने को मिलती है। शब्द है रोटी, तो बहुवचन है रोटियां, वक्त प्रयोग है राणा प्रताप ने घास की रोटियां खाई। शब्द है आंख, तो बहुवचन है आंखें, इसका वक्त प्रयोग है काजल लगाने से आंखें सुंदर लगती हैं। शब्द है कपड़ा, तो इससे बहुवचन है कपड़े, इससे वक्त बनता है स्वस्थ रक्षा के लिए कपड़े पहनना जरूरी है। शब्द है बालिका, जिसे बहुवचन है बालिकाएं, तिस वक्त बनता है क्लास में सभी बालिकाएं उपस्थित थी। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, या फिर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।